हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दौर है प्लेसमेंट का दौर है, स्पेशली जो 2022 के जो बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बी या एमबी कंप्लीट करके सब जस्ट निकलने वाले हैं, उनके लिए प्लेसमेंट का दौर है। इसके लिए यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई कंपनीज आती रहती हैं। तो इस बार जो मैं आपको लेके आया हूँ, बायजूस हायरिंग फॉर बी एमबीए 2020 बैच स्टूडेंट फॉर टू रोल्स, दो रोल के लिए यहाँ पे बायजूस स्टूडेंट को हायर कर रही है ना। वो दो रोल क्या है हम इसके बारे में बराबर बताएंगे, उसके बाद हम कंपनी के बारे में भी जानेंगे, कंपनी किस टाइप की है यहाँ पर और वो क्या चाहती है आपसे, है ना। एंड देन आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम इस चीज़ को भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले मेरा आपका स्वागत है सुनीत जैन चैनल में एंड info.khazana.com, जहाँ पर मेरी इस वेबसाइट पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू बायजूस की हायरिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। और अदर इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आखिर तक देखिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को भी, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। बायजूस हायरिंग क्या कर रही है, हायरिंग फॉर बी एम बी ए 2020 बैच स्टूडेंट्स फॉर टू रोल्स, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ये दो रोल के लिए वो क्या कर रही है, हायर कर रही है स्टूडेंट्स को। अबाउट अबाउट द कंपनीज, फिर हम जानना चाहेंगे कि कंपनी है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि बायजूस कंपनी किस तरह वर्क करती है, ये आपको सबको मालूम है, तब भी मैं एक बार वापस बताना चाहूँगा कि कंपनी क्या वर्क करती है, ठीक है। बायजूस इज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एडीटेक कंपनी है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पहली से 12वीं तक की इन्फॉर्मेशन से ना, उनके एग्जाम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो लर्निंग ऐप, साथ में उसका ऐप भी है, तो फ्लैगशिप प्रोडक्ट 4 to 12 वॉज लॉन्च इन 2015। टूडे द ऐप हैज ओवर 35 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट, 2.4 मिलियन एनुअल पेड सब्सक्रिप्शन, विद द एवरेज टाइम ऑफ 71 मिनट बींग स्पेंड बाय स्टूडेंट एट द ऐप एवरी डे, ठीक है। From 1700 plus cities, the app is creating a whole new way of learning through visual lessons. मतलब आए दिन में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज, मतलब उस बच्चों को समझाने की नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके उनको किस तरह से प्रैक्टिकली समझाया जा सके, उसके बारे में वो बायजूस वाले कहीं ना कहीं इस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हैं और इस तरह से पूरा काम करते हैं। तो द डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप was launched in 2019, especially opening from Bayju's collaborations with Disney India for student class 1 to 3. The app has been designed to adapt to the unique learning style of every student as per the pace, size and style of learning. Bayju's paying the way of new age geography, holistic learning tool that sit at the cross section of mobile, interactive content, personalized learning methodology. To know more about the company, please download. अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो उसकी जो वेबसाइट्स हैं byjuice.com, उस पर भी आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं और आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी स्पेशली प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लास वाइज उनके स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट होंगे, वो उस प्रोडक्ट को देख देख के उसकी लर्निंग करते हैं और ये जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, ठीक है ना। अब सेल करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं, जहाँ पे यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सेल, प्रोडक्ट को सेल करना और उससे इनकम गेन करना, मतलब नए नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन का, एनिमेटिव प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना, ये मेन इनका काम होता है एजुकेशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, और प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम कहाँ कहाँ इनकी रेंज है, तो उनको रेंज में लर्निंग ऐप कैटेगरी ऑफ टू स्टूडेंट टू इंडिया इन इंडिया, कंप्यूटर विजन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड, playawesome.com एंड byjuice.com का कोलैबोरेशन है, टेक एनेबल लर्निंग प्रोग्राम्स स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया है, कोडिंग प्लेटफॉर्म 50 मिलियन यूजर्स सॉल्व पजल्स बिल्ड गेम्स स्टोरीज एंड ट्यू एनिमेशन बाय कोडिंग, टकर ऐप करके इनका है, वाइट हेड जूनियर करके भी है कंट्री है ऐप है उनका, ठीक है। इन डिमांड इसके टू लर्न एडवांस कैरियर AI ML डेटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग क्लाउड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेट लर्निंग, यहाँ फॉर इन्फॉर्मेशन रहेगी, स्किल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इन्फॉर्मेशन इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके से या कोलोबोरेशन से उनके साथ कहीं ना कहीं ये अपने बायजूस की प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में ये
अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं। अब जॉब टाइटल कौन कौन से, बिजनेस डेवलपर ट्रेनिंग्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब ये पहले समझते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट होता क्या है। अब बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हेल्प कंपनी टू बूस्ट ग्रोथ एंड सेल्स, दो काम होते हैं, मतलब बूस्ट करना ग्रोथ को और उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना, साथ में मार्केट रिसर्च करना कि कौन से मार्केट में किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, डेवलप करना बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने, बिल्ड करना क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड आइडेंटिफाई करना न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट फाइंड वर्क इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम मार्केटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है बीडीए का। उससे ट्रेनिंग काम क्या होता है, उस रिलेटेड जो उसके अंदर जो ये सब चीज़ें उसको ध्यान करना है, साथ में उसको ट्रेनिंग भी देना है, अलग अलग टाइप से ट्रेनिंग देनी है, वो एक अलग मैटर चलता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, यू विल बिगिन इन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रोल, वर्किंग टीम को कैटर टू हेल्प स्प्रेड द बायजूस वे टू लर्निंग योर कंट्रीज, यू वुड बी शोकेसिंग द यूनिक बायजूस वे टू लर्न टू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एंड वेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटरिंग एंड सेल्स इन योर डेजिग्नेटेड जॉन, मतलब किस तरह से आपको करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है और कितने अब सिटीज को टारगेट किया जाता है, कितने ज़्यादा उसको लोग उससे कनेक्टेड होंगे, ये सब चीज़ उसमें रहता है। प्रीफरेंस किस सब्जेक्ट करना चाहिए, हैविंग कीन इंटरेस्ट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन एजुकेशन सेक्टर, आपका ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि इंडियन एजुकेशन सेक्टर किस टाइप का एजुकेशन सेक्टर है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना, तभी आप कर सकते हो नए नए टेक्नोलॉजी उनकी जो है नए आइडियाज लेके उनको नहीं नहीं उनके जो प्रोडक्ट है उनको लॉन्च करा सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग एंड गाइडलाइन स्टूडेंट, ठीक है, मेंटरिंग करना और गाइड करना स्टूडेंट्स को, ये रहेगा उनका काम। हैविंग ए नेक ऑफ फॉर सेल, और सेल तो करना ही है प्रोडक्ट को, गुड इंटरपर्सनल और प्रेजेंटेशन स्किल, अच्छा सा आपका स्किल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब जिससे सामने वाला क्या आपकी बातों में अट्रैक्ट हो जाए और वो उस प्रोडक्ट को खरीद लें, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आपका एक कमांड होना चाहिए। अब पॉइंट ये है, क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन में बी बी टेक एम बी ए दिया है, मिनिमम 60% इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी बी टेक एम बी ए साफ साफ जो है 60% इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब सिंपल सी बात है, बी और बी टेक को भी इंक्लूड किया जा रहा है बिकॉज दीज आर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, बिकॉज दीज आर टेक्निकल स्टूडेंट, और इनको भी इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल हुआ, एसी डिपार्टमेंट हुआ, सीएस में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्नोलॉजी में अच्छे नहीं होते बट दे वॉन्ट दैट टाइप ऑफ जॉब्स, जो मार्केटिंग में अच्छे हो सकते हैं तो वो लोग तो कर ही सकते हैं इस जॉब को, और उनका टेक्निकल नॉलेज भी होता है तो उनको ये चीज़ अच्छा है कि किस तरह से वो वर्किंग होना है, सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है, उनको इस चीज़ को सिखाने की जरूरत पड़ती है ना। एम बी वाले भी क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केटिंग उनका पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे उस चीज़ को किस तरह से सेल करना है, मार्केट में किस तरह से लॉन्च करना है, ये सब चीज़ की उनको एक स्ट्रेटेजी रहती है शुरू से ही और उससे को लॉन्चिंग करते हैं। इसलिए बी बी टेक एम बी स्टूडेंट दोनों के सबके लिए क्या किया हम लोगों ने, ये एक वैकेंसी निकाली है। अब ट्रेनिंग, अब देखो ऑल सिलेक्टेड स्टूडेंट जो होंगे कैंडिडेट विल बी पार्ट ऑफ 6 week ट्रेनिंग प्रोसेस अंडर अ बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, है ना, प्रोफाइल एट मंथली स्टाइफंड 25,000, वो 25,000 का स्टाइफंड मिलेगा। अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी प्रमोटेड टू द रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन के रूप में होंगे, ठीक है। तो पहले वो ट्रेनिंग होंगे, क्या बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग BDT, देन जब उनका अच्छे से हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो BDA बन जाएगी वो लोग, ठीक है। द फर्स्ट 2 week ऑफ द ट्रेनिंग विल बी क्लासरूम ट्रेनिंग फॉलोड बाई 4 week जो होगा, ठीक है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोथ द BDD ट्रेनिंग लोकेशंस, ठीक है, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे उनको मतलब प्रैक्टिकली कैसे करना है उस को ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, ठीक है। देयर विल बी एडिशनल परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स दैट विल बी अप्लाई ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, अगर आपने किसी चीज को सेल कर दिया उनके प्रोडक्ट को, है ना, तो डेफिनेटली आपको इंसेंटिव भी मिलेगा और जो आपकी जो सैलरी प्लस इंसेंटिव भी आपको ऐड हो जाएगा। करेंटली टिल अवर ऑफिस री ओपन द ट्रेनिंग विल हैपन्स इन द वर्क फ्रॉम होम मोड, ठीक है ना। वंस अवर ऑफिस आर ओपन द ट्रेनिंग विल शिफ्ट टू द BDD ट्रेनिंग लोकेशन, अभी करंट कंडीशन क्या है उसकी वजह से अभी घर से बैठ के भी आप अपना काम कर सकते हैं, बट जैसे ही ऑफिस ऑन हो जाता है तो आपको वहाँ पर जाके उस लोकेशन पर उनको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग बेस्ट ऑन क्लियरिंग द कंपनी एक्सपेक्टेड पैरामीटर दे विल बी कन्फर्म BDA डायरेक्ट से 10 lakh पर एनम्स, ऑल्सो ओनली आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द BDA रोल दे विल स्टार्ट वर्क एट द रोल लोकेशन, ठीक है ना। अगर आप BDA के लिए हो जाते हैं रेडी, मतलब
अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो, सब चीज़ सक्सेसफुल हो, तो बीडी के रोल क्लियर हो जाएंगे और रोल ऑफिकेशन से आपका स्टार्टिंग हो जाएगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बीडीटी एंड बीडीए बोला है ना, 5 लाख मिलेगा बीडीटी को, है ना, 3 लाख फिक्स पे रहेगी उनकी, और 2 लाख पर है ना परफॉर्मेंस पे होगा। मतलब अब उन्हें कितना इंसेंटिव गेन किया उस पर डिपेंड करता है, कितना उन्हें प्रोडक्ट सेल किया उस पर डिपेंड करता है। सेम केस बीडीए का भी वही है, 7 LPA फिक्स पे प्लस 3 LPA परफॉर्मेंस पे रहेगा, ठीक है। मतलब ये उनका ट्रेनिंग के बाद उनको इतना सब चीज मिलेगी, ठीक है। तो आप कितना ज़्यादा सेलिंग कर सकते हो सब उस पर डिपेंड करता है, कितने नए स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो, क्या क्या नया आइडियाज ला सकते हो, कौन कौन से नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है बीडीए केस में, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने जो लिंक दी है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट की ही इन्फॉर्मेशन, 7+3 पर क्लिक की इन्फॉर्मेशन दी हुई, ठीक है। सेल्स टीम की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेल टीम से जहाँ पे उनके प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है वो बेचते हैं, ठीक है ना। अब अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, सिंपल सा नीचे से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेम है ना, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन करना है, फीमेल है मेल है, और साथ में आपके अपलोड करना है रिज्यूम को, एंड देन अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके मेल पे भी वेरिफिकेशन का आएगा और आपके मोबाइल पे भी वेरीफिकेशन आएगा, एंड देन सबमिशन के बाद आपका जब रिज्यूम अपलोड होगा तो आपके पास एक मेल भी आएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रही, रिटन टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, और 2 या 3 राउंड होंगे इंटरव्यूज के, ठीक है, वर्चुअल राउंड्स होंगे, HR राउंड होगा, है ना। उससे आपको क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा इंटरव्यू में और किस तरह से इनकी बारे में प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर बाय जूस, कि किस तरह से वैकेंसी को अपन गेन कर सकें, ठीक है, किस तरह से वैकेंसी जो में आई है उसको अपन क्रैक कर सकें, उस चीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच।